अब अच्छा इवेंट साहब को एक चीज बताना चाहूंगा कि आज ही हमारे एक मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी, शायद उन्होंने अखबार नहीं पढ़ा, पता नहीं कब पढ़ा था लास्ट। मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला है कि मुस्लिम्स को पूरी आजादी है और हम इस चीज को इंश्योर करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि एक मैं लड़की को बीजेपी डरा के धमका रहे लीडर की हैं, बात जावेद कर रहा अख्तर हूं। को कोट किया गया। देखिए, लड़की को डरा धमका कौन रहा है? लड़की आई, सामने 100 लोग खड़े हैं, अकेली अल्लाह अकबर चीखी और चुपचाप चली गई। सियालकोट की तरह किसी ने जिंदा नहीं जलाया उसे, हो अरे सकता उसको था, प्रिंसिपल ने लेकिन ये बचाया, उसको हिंदू है। प्रोफेसर ने बचाया, नहीं तो वो उसकी आप बोटी बोटी जनाबे कर अली देते। जवाब बोल रहे थे, मैं चुप था, ठीक है? ये हिंदू है, अच्छा मेरी ये बात सुनो पाकिस्तान रोहित, का सॉरी मैं मुसलमान बात नहीं है काट रही जो हूँ। जिंदा देखे जला देखे दे किसी को। देखे सियालकोट की तरह, जहां सियालकोट में एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, वो नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है? ये देखिए कि इंडिया में मुसलमान कितना आजाद है, और मुसलमान ठीक है। दुबे जी, मैं आपके तरफ आना चाहूंगी। दुबे जी, वहां पे क्या हो रहा है? आप भी डिफेंड करेंगे इस वाक्य को कि जब आपको हिजाब पहन कर जाना चाह रहा है तो जबरदस्ती उसका हिजाब उतरवाएंगे, तब वो कॉलेज में पढ़ सकेंगे या काम कर सकेंगे। फिजा जी, मैं बड़ी एक सामान्य सी सीधी और सरल बात करना चाहूंगा। हिजाब को लेकर मसला पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी मसले हो चुके हैं, और भारत की बात नहीं अच्छा पूरी दुनिया में मसले हो चुके हैं। हमने देखा कि फ्रांस ने हिजाब को बैन कर दिया, हमने देखा रशिया ने भी हिजाब को बैन कर दिया। इसके बाद में हम बात करें अगर चाइना की, तो चाइना में भी हिजाब बैन है। तो ये बात समझ से परे है कि इंडिया में मामूली एक मसला खड़ा होता है, जो एक राजनीतिक मसला है, आपसी राय मशवरा ना मिलने का मसला है, सहमति ना बनने का मसला है, और वो मसला ऐसा नहीं कि कोई स्थायी मसला हो, एक सामान्य सी बात है, और इसका समाधान भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही निकल जाएगा। लेकिन चीन में जब हिजाब पर बैन होता है, तब पाकिस्तान से आवाज क्यों नहीं उठती? सवाल ये भी अहम है। इसके अलावा में कोई बैन पाकिस्तान में भी जींस को लेकर कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मसले हो चुके हैं, उन पर कभी कोई बात क्यों नहीं की जाती? तो ये एक वो हिंदुत्व है, दिस इज हिंदुत्व, दिस इज नॉट पाकिस्तानी इस्लाम कि किसी को जिंदा जला दिया जाए। और किसी कंट्री के इस्लाम में भी जिंदा जलाना अलाउड नहीं है, ना हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान के इस्लाम में ये होता है। देखिए, सच ये है कि इंडिया में मुसलमान कितना महफूज है, इस क्लिप ने दिखा दिया। एक लेडी अकेली 100 के सामने 100 से लड़के गई है, और उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। चलो उस समय छोड़ लो, बाद में किसी ने बोला हो, आज तक कोई एफआईआर नहीं है। उस लेडी से पूछा गया कि आप क्या इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती हैं, उसने बोला नहीं, इनके मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, ये आगे से ना करें। क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। उसके बाद किस मुंह से पाकिस्तान ये बोलता अच्छा, है एक मिनट, आपने क्या कुछ देखा? मैंने क्या, कोई आदमी जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकता क्या? पाकिस्तान है ये, मैं जवाब पाकिस्तान में लगाने, वो भी तो अल्लाह नहीं, तो बोल आप रही है। स्पेशल गलत देख के उसने क्या किसी किया को है? क्यों गलत, एक मुसलमान के सामने आप एक मुसलमान के सामने जानबूझ के नारे क्यों लगा रहे हैं? उससे नारे क्यों लगा रहे हैं? आप बताएंगे, हमें इस बात पे एतराज है। एक मिनट, आप बताएंगे कि कहां नारे लगाने भाई साहब? सुप्रीम कोर्ट अभी स्टार्ट में ही फिजा ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी को जबरदस्ती कोई ड्रेस नहीं पहनाई जा सकती, आजाद नहीं है, तो ये जजमेंट कैसे आ गया? आप लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हैं कि मैं क्या झूठ बोलने वाला हूं और तू क्या झूठ बोलने वाला है? आप दोनों एक झूठ तो बोलिए। अच्छा, दूसरी चीज, ये 3% मुस्लिम नहीं है सरकारी नौकरी में, ये बन के आए हैं, 3% से कितना ऊपर है पता मैं, है भाई मुझे ये अगर सब बोलने दोगे तो मैं जवाब भी तो साथ ले लो ना। इनके पास आपके 4 लाख आर्मी अरे बलूचिस्तान मैं आप, में क्यों मैं तो खड़ी है खुद पता कह है रहा हूं आपको? कि पहले इसीलिए सुप्रीम खड़ी कोर्ट आजाद है, था, अब नहीं आपके है। ये आपने सुना इंडिया नहीं है, कि किसने इंडिया ये यहाँ बात पे कही? एक मुसलमान लड़की 100 100, ये हिंदू की ग्रेटनेस है, दैट इज व्हाई हिंदुइज्म इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। एक लेडी को कुछ नहीं बोला गया। आपके यहाँ कितनी लड़कियां हिंदू और कितनी क्रिश्चियन लड़कियां अगवा हो रही हैं और उनका रिलीजन चेंज कराया जा रहा है, आप जानते हैं, और आप यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ये बोलेंगे कि वो लड़की खुद भागी थी, कैरेक्टरलेस प्रूव करने लगते हैं आप लड़की को। जवाब में दुबे जी आपसे पहले लेना चाहिए, फिर रोहित आपकी तरफ आती। जी दुबे जी, फिजा जी हमारी जो बात चल रही थी वो हिजाब को लेकर चल रही थी। हिजाब को लेकर जब अभी ये कुछ देर पहले कहा गया इसी कार्यक्रम में कि जिन देशों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें मुस्लिम आबादी कितनी है, तो मैं आगे एक देश का नाम और गिनाना चाहूंगा, सीरिया। सीरिया में भी हिजाब को लेकर बैन लगाया गया। बैन क्यों लगाया गया, उसके पीछे हमें तार्किक ढंग से सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। एक दूसरे पर या एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कहीं किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। उसके पीछे सुरक्षा कारण अहम है, पर सुरक्षा एक बड़ा मसला है
जिसको लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता है। इंटरनेशनल मीडिया की आपने बात की, मैं यहाँ ना ही नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई उनके वकील के तौर पर बैठा हुआ हूँ, ना ही अमित शाह जी की तरफ से वकील के तौर पर बैठा हुआ हूँ। मैं यहाँ इंसानियत की बात करूंगा, और इंसानियत की बात ये है कि आपने बड़ी ही आसानी से कह दिया कि इंटरनेशनल मीडिया को देखिए, तो इंटरनेशनल मीडिया को पाक आवाम को भी देखने की जरूरत है। और ये भी वहां गौरतलब है कि किस तरह से पाकिस्तान में अत्याचार होता है अल्पसंख्यकों पर, ये मैं नहीं कह रहा, आपके मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ऐसा कहती है। अब मैं दे रहा हूँ, जावेद अख्तर साहब जो बोल रहे हैं, जावेद अख्तर साहब ही जानते होंगे डराया किसने, लड़की अच्छा। वो पाकिस्तान चले जाए। अब ये जनाब को मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल प्लीज, जब आप बोल रहे थे मैं चुप सुन, ठीक है अच्छा, मैं सब नाराज हो जाते हैं पहले से जी रोहित, जब वो लड़की आई है उससे पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था, तो क्या उस लड़की को देख के प्रोटेस्ट रोक देते? इनका लड़की यहाँ सामने आके अल्लाह अकबर बोल रही है, 100 आदमियों के सामने किसकी हिम्मत होती है कि कोई एक लड़की आकर के अल्लाह अकबर चीखना शुरू कर दे? वो चुपचाप जा सकती थी। दूसरी चीज, वो लड़की डेली हिजाब पहन के नहीं आती है, आज ही पहन के आई, क्यों? पब्लिसिटी चाहिए थी उसे। अपने कंट्री में क्या हो रहा है ये नहीं देखते, दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है ये बताना जरूरी है आपके लिए। इन्होंने बोला मुसलमान एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकता, रूल है ये, कहाँ पढ़ा आपने, कौन सा अखबार पढ़ के आते हैं आप, ऐसा कोई रूल नहीं। एक लेडी ने ये बोला कि मैं डेली हिजाब में नहीं जाती, उसी दिन गई प्रोटेस्ट पे, वीडियो में साफ आपको भी दिख रहा होगा, आपकी आंखें के अगर खराब हो तो दूसरी बात है, लेकिन जब आंखें ठीक है तो दिखेगा, प्रोटेस्ट पहले से चल रहा है, वो लेडी आई है स्कूटी पार्क की है, आकर के सामने आई है, चुपचाप जा सकती थी। और किस तरह से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लामबंद हो रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। और राजनीतिक माहौल में भारत भारत का सिगुफा जिस तरह पाकिस्तान में छेड़ा जाता है, ठीक उसी तरह आज भी पाकिस्तान में वही हाल है कि भारत का सिगुफा वहां छेड़ा जा रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा, क्योंकि हमारा मीडिया इस तरह प्रोपेगेंडा फैलाने में यकीन नहीं करता कि लोगों की मानसिकता दिखाई जाती। क्या पाकिस्तान में किस तरह से सैनिक मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के लोगों को आतंक की राह पे ढकेल कर किस तरह चूहे बिल्ली और जानवरों की तरह मरवा रही। जवाब तो सुन लीजिए, दे दूं? हाँ जी Hello? जी जी रोहित, इन्होंने बोला इंडियन मीडिया की फेक न्यूज, वो ये सेंटेंस एक ऐसे आदमी के पास से आ रहा है जिसका प्राइम मिनिस्टर फेक वीडियो ट्वीट करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली, वो एक बांग्लादेश के वीडियो को बताता, एक मुजफ्फराबाद का वीडियो ट्वीट किया और बोला कि ये कश्मीर का है, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर का है, ठीक है झूठा। आपकी एम्बेसडर ने यूएन में फोटो दिखाई सीरिया की और बोला इंडिया की है, आप ऑफिशियली आपकी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है और आप बोल रहे इंडियन मीडिया झूठ बोलता है, गलती मान लें।